कुछ नहीं, आग धधक रही है। गहलोत परिवार किस चतुराई से, किस जादूगरी से काले धन को सफेद करने में पैसे वाले बने हुए हैं। देश में राजस्थान सबसे फिसड्डी है। हम अपने पद के लिए काम नहीं करते, समाज और देश मजबूत कैसे हो इसके लिए काम करते हैं। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में करप्शन की आंच कुछ ऐसी लगी है कि सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंच गई है और इस पर पुरजोर तरीके से वो बीजेपी से बखूबी मुद्दा बना रही है। और आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोलाल मीना जी, जो कि इस मुद्दे को रोजाना एक एक करके पत्ते हैं वो उसके खोलते जा रहे हैं। आंच नहीं है, आंच नहीं, आंच नहीं है, आग धधक रही है, आग ज्वाला। और आपने देखा कि गहलोत परिवार किस चतुराई से, किस जादूगरी से मॉरीशस के रूट के थ्रू, लंदन के थ्रू काले धन को सफ़ेद करने में पैसे वाले बने हुए हैं। और जो गहलोत कहता है कांग्रेस में वही होता है, केवल राजस्थान में नहीं, 10 जनपद पर भी। सर एक बात है कि जैसे साल 2018 से चुनाव हुए थे उससे पहले कांग्रेस ने करप्शन का मुद्दा उठाया था, तो क्या बीजेपी भी इसी काम कर रही है इसी पर? नहीं नहीं, हम तो पहले से उठा रहे हैं। 2018-19 में हमने रीट उठाया था, सब इंस्पेक्टर उठाया, आरएस की परीक्षा उठाई, सेकंड पेपर टीच का लीक उठाया। हम तो शुरू से उठा रहे हैं, कोई चुनाव की दृष्टि से नहीं उठा रहे हम। ये तो जो है कुछ प्रमाण नए इसमें मिले हैं फेयर अमाउंट के, तो उसके प्रमाण आज हमने मीडिया के सामने दिए हैं। उन पूरे प्रमाणों को, कुछ ऐसे तथ्य जो हम उजागर नहीं कर सकते, उनको हम कल ईडी को देंगे। ईडी में प्रकरण दर्ज कराने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो सफेदपोश मुख्यमंत्री है पता लग जाए वो कितने ईमानदार है। चलिए, तो करप्शन की बात हुई, चुनाव से पहले मुद्दों की बड़ी बात होती है, तो क्या बीजेपी इस बार के चुनाव में करप्शन के अलावा भी कोई मुद्दे उठाए के जो वाकई में जनता के जमीनी स्तर के मुद्दे हैं? हाँ, ऐसे कौन से मुद्दे सर आप बताइए? जब विकास के काम में, जितने भी विकास के काम हुए हैं सब में MLA ने खूब लूटा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार बहुत हुआ है, दलित आदिवासियों पर अत्याचार बहुत हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी ख़राब है, अवैध खनन बड़े पैमाने पर है, डिफॉरेस्टेशन बड़े पैमाने पर हुआ है, अडानी से मिलकर सोलर सेक्टर में घोटाला किया है, जमीन की बंदर बांट बहुत हुई है, हेल्थ सेक्टर में लेन देन बड़ा हुआ है, जो डेवलपमेंट के वर्क हैं उसमें घटिया क्वालिटी के काम हुए हैं, जल जीवन मिशन जैसा जो हर घर नल जाना था उसमें देश में राजस्थान सबसे फिसड्डी है, इन मुद्दों को उठाएंगे। ठीक है, एक बात ये भी आती है कि जैसे जहाँ पर CM के चेहरे को लेके बात आती है बीजेपी में, तो आपका भी नाम इसमें जुड़ता है, बहुत से जैसे जनता है वो इस चाहती है कि आप भी सामने आए, आपको आप अपने आप को कहाँ पे पाते हैं? देखो, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और शुरू से साधारण कार्यकर्ता के नाते काम करता रहा हूँ। MLA का टिकट दिया तो MLA लड़ लिया, MP का दिया तो MP लड़ लिया, जिला प्रमुख का दिया तो जिला प्रमुख लड़ लिया, टिकट नहीं दिया तो धीरज धारण करके बैठे रहे। हमको हमारा संस्कार दूसरा है, हम अपने पद के लिए काम नहीं करते, हम समाज और देश मजबूत कैसे हो इसके लिए काम करते हैं, काम करते हैं। तो हमारे साथ थे डॉक्टर किरोलाल मीना जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो एक एक करके सारे जो पत्ते हैं वो खोलेंगे और कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए थे उन पर बखूबी ईडी को वो जांच की मांग करेंगे और उन पर सारे जितने भी उनके पास में फाइल हैं वो उनको सौंपेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब नए पत्ते खुलते हैं कांग्रेस के नेताओं को लेकर। तो बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ, कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।